नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 27 सितंबर 2023, दिन बुधवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में CM सुक्खू ने आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज मांगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पड़ोसी राज्यों के साथ हिमाचल के हितों से संबंधित विभिन्न मामलों को तुरंत सुलझाया जाए और आपदा से प्रभावित हिमाचल को शीघ्र विशेष राहत पैकेज उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। सुक्खू ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की परियोजनाओं में हिमाचल की 7.19% हिस्सेदारी के दृष्टिगत प्रदेश को BBMB निदेशक मंडल में पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा देना जरूरी है। उन्होंने BBMB परियोजनाओं में हिमाचल के लिए प्रतिशत निशुल्क ऊर्जा रॉयल्टी प्रदान करने और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम, सतलुज जल विद्युत निगम जैसे केंद्रीय उपक्रमों की जल विद्युत परियोजनाओं में वर्तमान 12% रॉयल्टी को बढ़ाकर 30% करने का आग्रह किया। उन्होंने हिमाचल को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार BBMB से बकाया लगभग 4,000 करोड़ रुपए दिलवाने का भी आग्रह किया। चिट्टा तस्करी के 2 गिरोहों का भंडाफोड़, मुख्य सरगना समेत 16 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय चिट्टा तस्करी के 2 गिरोह का सोलन पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इसमें दोनों गिरोह के सप्लायर, एजेंट और मुख्य सरगना समेत 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन आरोपियों से पुलिस ने 167 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया है। गिरफ्तार मुख्य आरोपियों में असम का दंपति, नाइजीरियन समेत दिल्ली का एक कारोबारी भी शामिल है। ये पंजाब, हरियाणा समेत हिमाचल में चिट्टा सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने यह सफलता चिट्टे की छुटपुट खेप के साथ गिरफ्तार शिमला, सोलन, धर्मपुर, हरियाणा से गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर की। इसमें नाइजीरियन और दिल्ली के कारोबारी को पुलिस सोलन लेकर पहुंच गई है। इन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जाएगी। SP सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की। इन दोनों गिरोह का जाल पूरे हिमाचल में फैला हुआ है। इनके संपर्क में सैकड़ों युवा हैं। वे इनसे चिट्टे की खरीद करते हैं। आरोपियों के बैंक ट्रांजैक्शन से यह खुलासा हुआ। सराहा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले का शुभारंभ। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने सिरमौर जिला के सराहा में मंगलवार से आरंभ हो रहे 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने भगवान वामन देव की विधिवत पूजा अर्चना करने के उपरांत वामन देव की पालकी को कंधा देते हुए मंदिर से खंड विकास कार्यालय, नए बस स्टैंड तक शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान पारंपरिक वाद्य दल, दुलांजी मठ का दल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहा के NCC कैडेट, होमगार्ड बैंड व हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। नगर के मध्य में स्थित तालाब में भगवान वामन देव की पालकी को नौका विहार करवाया गया। उपायुक्त ने राज्य स्तरीय मेले के शुभारंभ के दौरान उपस्थित लोगों को वामन द्वादशी मेले की बधाई देते हुए कहा कि सराहा का यह राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेला सिरमौर जिला में आयोजित होने वाले विभिन्न मेलों में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। दशकों से सारा जनपद वामन द्वादशी मेले का आयोजन हर्षोल्लास के साथ करता रहा है। भगवान विष्णु के वामन अवतार के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाला यह ऐतिहासिक मेला अपने साथ समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास समेटे हुए है, जिसमें न केवल सराहा पछात क्षेत्र के लोग भाग लेते हैं बल्कि सिरमौर के कोने कोने से लोग इस मेले में पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धर्मशाला स्टेडियम में प्रत्येक दर्शक को 3 लीटर पानी मुफ्त। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में विश्व कप के मैच देखने आने वाले दर्शकों को इस बार पीने के पानी के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। BCCI की ओर से स्टेडियम के अंदर ही प्रत्येक दर्शक को 3 लीटर पानी मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अवनीश परमार ने धर्मशाला में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। कहा कि HPC ICC विश्व कप के मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर विश्व कप के 5 मुकाबले होने हैं। पूर्व में हुए IPL मैचों के लिए टिकट धारकों को स्टेडियम में प्रवेश करने में परेशानी हुई थी, लेकिन इस बार व्यवस्था को पूर्ण रूप से बदला गया है। अनुराग ठाकुर बोले, खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने वाले चीन की हरकत मंजूर नहीं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 महिला खिलाड़ियों को वीजा नहीं देकर भेदभाव किया है। चीन की यह हरकत भारत को मंजूर नहीं है। भारत के खिलाड़ियों को ओलंपिक चार्टर के अनुसार वीजा मिलना चाहिए। ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया का यह दायित्व था और चीन का भी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। खिलाड़ियों से यह व्यवहार अच्छा नहीं था।
जो भेदभाव किया गया वह सही नहीं था। शिमला में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोई कितना भी प्रयास कर ले, कुछ लोगों ने तब भी आंखें दिखाने का प्रयास किया जब G20 की बैठक थी। भारत ने G20 को सफल बनाया। अरुणाचल, लेह लद्दाख और कश्मीर में भारत ना तब झुका था ना अब झुकेगा। दिल्ली डिक्लेरेशन का होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के महिला वुशु खिलाड़ी नियमान वांगसू, ओनिल तेगा और मेपुंग लामगू को एशियाई खेलों के लिए वीजा देने से मना कर दिया था। राशन डिपो में नवंबर से मिलेगा काला चना, खाद्य आपूर्ति निगम ने की तैयारी। बड़े चाव के साथ खाया जाने वाला काला चना अब हर घर की रसोई में उपलब्ध होगा। सरकारी राशन के डिपो में नवंबर से इसकी आपूर्ति होगी। राज्य खाद्य आपूर्ति निगम को 3 माह के लिए काले चने का ऑर्डर मिल चुका है। BPL, NFSA और अंत्योदय उपभोक्ताओं के लिए 2280 मीट्रिक टन, APL परिवारों के लिए 3336 मीट्रिक टन और करदाताओं के लिए 209 मीट्रिक टन खेप का आवंटन हो चुका है। सूबे में अक्टूबर तक निगम के सभी गोदामों में इसकी आपूर्ति हो जाएगी। इससे प्रदेश के 19.5 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। प्रदेश में 7.5 लाख APL राशन कार्ड उपभोक्ता हैं, जबकि 12 लाख से ज्यादा उपभोक्ता BPL, NFSA और अंत्योदय की श्रेणी में हैं। खाद्य आपूर्ति निगम डिपो से APL परिवारों के लिए बाजार भाव से 15 रुपए कम दामों में आपूर्ति करेगा, जबकि BPL श्रेणी के परिवारों को 20 रुपए तक सस्ता मिलेगा। कुफरी में HRTC बस और ट्रक में भिड़न, 3 घायल। राजधानी शिमला से सटे पर्यटन स्थल कुफरी के समीप मंगलवार दोपहर बाद हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस व ट्रक के बीच भिड़ंत हुई। हादसे में 3 लोग चोटिल हुए। घायलों को उपचार के लिए IGMC अस्पताल लाया गया, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे का शिकार हुई HRTC बस सेमी डिलक्स रिकांगपियो से शिमला की तरफ आ रही थी, जबकि ट्राला ठियो की तरफ जा रहा था। कुफरी के समीप नेशनल हाईवे पर दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कोई और वाहन वहां से गुजर नहीं रहा था। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची व घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा इतना भयानक था कि बस व ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बस का फ्रंट शीशा व एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह टूट गया, जबकि ट्राले का भी एक किनारा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हिमाचल के स्कूलों में मिड डे मील बंद होने की कगार पर 5 माह से जारी नहीं हुआ बजट। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के लिए पिछले 5 माह से बजट जारी नहीं हो पाया है। आलम यह है कि बच्चों को मिड डे मील देना मुश्किल हो गया है। शिक्षकों का कहना है कि अब तक दुकानों से उधार लेकर मिड डे मील बच्चों को परोसा जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि उन्होंने पिछले दिनों प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से भी इस मांग को प्रमुखता से उठाया था। संघ ने सरकार और विभाग को 2 टूक कहा कि अगर जल्दी राशि जारी नहीं हुई तो अगले माह से अब स्कूलों में दोपहर का भोजन नहीं बन पाएगा, यानी कि बहुत सारे स्कूलों में मिड डे मील बंद करना होगा। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग में 2 वर्ष की अनुबंध सेवाएं पूरी करने वाले स्कूल लेक्चरर रेगुलर होंगे। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने नियमितीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए डिटेल मांगी है। इस संबंध में निदेशक अमरजीत शर्मा द्वारा सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी किया गया है। आज का सुविचार, सम्मान कभी छीन कर नहीं पाया जाता, बल्कि उसे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों द्वारा कमाया जाता है। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।